हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं फरस कुकिंग चैनल में करेले गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बनाने के लिए यहाँ मैं पहले स्टेप पे जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं आप नोट कर लें। यहाँ मैंने रेड मीट 3 पाउंड लिया है, बोनलेस है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ 2 बड़े साइज के प्याज, इनको काट लिया है, 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, इसी तरह जिंजर पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसके अंदर जो मैं स्पाइस डालूंगी, ये गोश्त को कुकर के अंदर डालने के लिए जो मैं स्पाइस डाल रही हूँ, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, इसी तरह 1/2 टीस्पून में साल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून में करेलों के साथ साल्ट को डालूंगी। अभी मैं 1/2 टीस्पून गोश्त के साथ डाल रही हूँ। आइए मैं बताती हूँ कि मैं ये रेसिपी किस तरह बनाती हूँ। यहाँ कुकर के अंदर सबसे पहले मैं मीट डालूंगी, कटे हुए प्याज, टमाटर, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट और ये स्पाइस डाल दूंगी। इसके साथ साथ मैंने 1 कप पानी लिया है। यहाँ कुकर में 1 कप पानी डालने के बाद मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और अब मैं कुकर बंद कर दूंगी। यहाँ जो टाइम मैं काउंट करूंगी, ये जब विसल चलेगी तो उसके बाद मैं 10 मिनट के लिए इसको चलाऊंगी और इसके बाद कुकर खोल दूंगी। मैंने कुकर को खोल लिया, अब मैं इसके अंदर 1/4 कप जो है ऑयल डालूंगी और अब इस जो मीट को मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भूनूंगी इस मीट को। यहाँ 1 पाउंड कटे हुए करेले हैं, इनको मैंने 1/2 टीस्पून साल्ट लगा के रख दिया था 1 से 2 घंटे के लिए और अब इसको अच्छी तरह धो लिया है। यहाँ 2 मीडियम साइज के इस तरह लंबाई में कटे हुए प्याज, 2 बड़े साइज के टमाटर कटे हुए, 1/2 लेमन मैं स्क्वीज करके डालूंगी, इसके साथ साथ सिरका 1 टीस्पून, 3 से 4 अदद ये ग्रीन चिली, स्पाइस में यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, इसी तरह 1/2 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ मैंने धनिया पाउडर लिया है। अब मैं करेलों को किस तरह फ्राई करती हूँ आइए मैं बताती हूँ। यहाँ मैं करेलों के लिए 1/2 कप ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। अब पहले स्टेप पे मैं सबसे पहले यहाँ जो ये प्याज है इसको फ्राई करूंगी और 5 से 6 मिनट फ्राई करके इसको निकाल लूंगी। ये जब हल्के गोल्डन हो जाएंगे तो मैं इनको निकालूंगी। यहाँ प्याज जो है अपना कलर तब्दील कर चुका है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ।
अब इसी ऑयल के अंदर मैं ये करेले डाल दूंगी। अगर आप करेले ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उसी हिसाब से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 पाउंड लिया है। यहाँ मैं इसके अंदर सॉल्ट डाल दूँगी, जो 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट दिया था वो इस पेस्ट पे डाल दूँगी। अब हमने इसको भी लाइट गोल्डन होने देना है। इसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर और जो स्पाइस है वो डाल दूंगी। यहाँ करेले भी भुन चुके हैं और इनका रंग भी अब तब्दील हो चुका है, ये ग्रीन से अब गोल्डन नजर आ रहे हैं। अब मैं इस पे से टमाटर डाल दूंगी इसके अंदर। वन टीस्पून सिरका, ये 1/2 लेमन स्क्वीज करके मैं डाल दूंगी। और इसके साथ साथ ये जो स्पाइस है ये भी इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसको 4-5 मिनट में इस तरह भूनूंगी और इसके बाद जो कुकर में गोश्त है वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर ये भुना हुआ जो गोश्त है ये भी डाल दूंगी। अब इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए भूनना है। इसके बाद मैं इसके अंदर जो प्याज थे वो डाल के 5 मिनट के लिए दम पे रखूंगी और फिर ये हमारी डिश तैयार हो जाएगी। अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए भून दूँगी, साथ ही ग्रीन चिली भी मैं अभी डाल दूँगी। यहाँ करेले और गोश्त भूनते हुए तकरीबन इनको 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो कटे हुए प्याज हैं ये डाल दूँगी, ये जो मैंने पहले फ्राई करके निकाले थे ये इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छी तरह प्याज मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देती हूँ। 5 मिनट के बाद हमारी ये डिश तैयार हो जाएगी।
हमारी ये करेले गोश्त की डिश तैयार है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मैं मज़ीद इसी तरह की अच्छी रेसिपी लेके आपके पास हाज़िर होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।